The difference of a square of two number is 180. दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, ओके? एंड द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है लार्जर नंबर से 8 टाइम है, तो नंबर फाइंड करना, ओके? तो मान लेते हैं कि जो शॉर्टर है वो x है, ठीक है? वहां से शुरू करते हैं, या फिर इन दोनों नंबर को मान लेते हैं, वहीं से शुरू कर लेते हैं. तो लेट द टू नंबर एक्स एंड वाई, ओके? हमें क्या बोल रहा है कि दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वह है 180, ओके? और कंडीशंस क्या है कि जो स्मॉलर नंबर है, मान लेते हैं एक्स स्मॉलर है, ठीक है? यहां पे जो स्मॉलर होगा वो वाई होगा. क्यों होगा वाई? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 लिखे हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स यहां बड़ा है तभी ये आएगा ना. तो एक्स बड़ा है तो छोटा कौन है? वाई. तो बोल रहा है कि y का जो स्क्वायर है वो बड़ा स्मॉलर नंबर का 8x है, मतलब 8 टाइम्स है. y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है? ये कहानी है. तो बस सॉल्व कर लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो पुट करते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180 है ही. तो y स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? माइनस 8x इज इक्वल टू 180, ठीक है? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, ओके? तो इसको सॉल्व करते हैं. x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0. तो x कॉमन लेता हूं, x कॉमन लिए x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिए x माइनस 18 इक्वल टू 0, एंड x माइनस 18 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 10 इक्वल टू 0. तो x माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 18, एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 10, ओके? तो x जो नंबर आया, एक तो नंबर आ गया हमारे पास लार्ज 18, स्मॉलर क्या आता है, चलिए यही से देख लेते हैं. तो हमारे पास है 8x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है? इसको यहां से देख लेते हैं अपन, तो क्या आएगा? 144 इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 12 इक्वल टू वाई, ठीक है? जो नंबर आया था हमारे पास वो कौन कौन से नंबर आया? x का वैल्यू 18, y का वैल्यू 12. फाइंड द टू नंबर 18 एंड 12 आर नंबर्स.